और ये पहाड़ का नजारा देखो भाई। तो भैया हम पहुंच चुके हैं अब मैग्नेटिक हिल, ऐसा देखने के लिए मिलेगा कहीं हा? और बाकी ये पूरा आर्मी एरिया है भाई, यहाँ ड्रोन वगैरह बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। वेलकम टू लेह, फाइनली सपना पूरा हो गया भाई अपना। मैं ले गया, पता नहीं कहाँ गली में घुसा दिया उसने। मैं खड़ा हूँ अभी एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ से लद्दाख के अंदर राफ्टिंग होती है। बहुत सारी राफ्टिंग की होगी आपने और मैंने भी की है, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ यार माउंटेन्स के बीच में एकदम बहुत ही एडवेंचरस राफ्टिंग यहाँ पे कराई जाती है। और उसके बीच में जो व्यू आता है ना वो है एकदम मज़ेदार भाई। ये देखो यहाँ पे है इस तरीके के कुछ पहाड़ और ये है एक अलग कलर की नदी है। वहाँ पे ये देखो ये लाइट ब्राउन है, वो डार्क ब्राउन कलर की नदी है और इस पानी में की जाती है राफ्टिंग। और यहाँ पे देखो ये बोट्स खड़ी हैं, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन दे करा के अपना राफ्टिंग कर सकते हो। और ये पहाड़ का नजारा देखो भाई, वीडियो में मतलब जज नहीं हो पाएगा, सामने से तो बड़ा मजेदार लग रहा है। ये देख रहे हो, ये देखो आप यहाँ खड़ी है हमारी शाइन। तो भैया हम पहुंच चुके हैं अब मैग्नेटिक हिल। मेरे पीछे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये है मैग्नेटिक हिल। और कहा जाता है कि यहाँ पे ना एक सर्टेन ऑफ पॉइंट पे आपकी गाड़ी बंद भी रहेगी ना, तो जहाँ ढलान होगी ना वहाँ से ऊंचाई की तरफ अपने आप चली जाती है। आज हम भी ऐसा ट्राई करने वाले हैं। अब देखो वो गोप्रो से मैं दिखाऊंगा, कोई और बंदा है नहीं यार वीडियो शूट करने के लिए, नहीं तो ज़्यादा अच्छे से दिख पड़ता। बहुत सारे लोग देखो वहाँ पे हैं, ये ज़्यादा दूर नहीं है, फ़ोन में आपको लग रहा होगा। यहाँ पे अभी हम अपनी गाड़ी लेके जाएंगे और देखेंगे यार सही में ऐसा होता भी है यार लोगों ने हुआ बना रखा है बस। अब देखो ट्राई करते हैं यार मैग्नेटिक हिल पे, क्या सही में यहाँ पे ऊंचाई पे गाड़ी अपने आप चढ़ जाती है या नहीं चढ़ती है, देखते हैं भाई कहाँ से चढ़ेगी, कहाँ कर रहे हैं लोग ट्राई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ कर रहे हैं भाई, पीछे ही आ रही है, अरे तो कोई है भाई बताने वाला, कोई नहीं दिख रहा भाई मेरे को करता हुआ, कोई दिखे तो यार करता हुआ तब तो मैं करूं, कहीं और तो नहीं होता है, पता नहीं यार। चलो आते टाइम दिखा दूंगा, कोई करता हुआ तो नहीं दिख रहा है, पता नहीं भाई गाड़ी बंद कर दी, पता चल नीचे चला जाऊं। मैग्नेटिक हिल नाम ही सुना था भाई, आज पहुंच भी गए हम। क्या नजारे हैं भाई, देखो यहाँ से क्या मजेदार लग रहा है, देख रहे हो, वाह। मैग्नेटिक हिल के बाद एक और ढलान आती है भाई, यहाँ देखो नजारे, ऐसा देखने के लिए मिलेगा कहीं हाँ? देख लो जी लो नजारे के लिए। अगर आप पूछो लद्दाख यार मतलब कोई फेल नहीं कर सकता है शायद मैं पहली बार आया हूं तो यार मुझे ऐसा लग रहा होगा कि भाई सबसे अच्छी जगह यही है, क्या पता इससे भी अच्छी जगह हो, कोई और गया हो तो यार कमेंट करके बताना लद्दाख से भी अच्छे पहाड़ कहाँ है, वहां भी हम ट्राई मारेंगे कभी। यहाँ जहां भी जाओ ना नजारे ही दिख रहे हैं, ऐसा कोई एंगल नहीं आ रहा है कि जिसमें कि भाई यार रहन दो भाई कैमरा बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है इसमें वीडियो बनाने की। वहां पे देखो कुछ लोग देखो ऑफ रोडिंग कर रहे भाई हिमालयन लेके, और एक है वो एक्सपल्स 200 और यहाँ पे देखो ऑफ रोडिंग कर रहे हैं भाई पता नहीं। मैग्नेटिक हिल के आगे आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा भाई, अगर पेट्रोल वगैरह भरवाना हो आपको, हम अभी नहीं भरवाएंगे, हमारे पास अभी फुल है हमारी टंकी, ठीक है, यहाँ पे आप पेट्रोल वगैरह भरवा सकते हो भाई। ले है यहाँ से तकरीबन 27 किलोमीटर, मैग्नेटिक हिल से थोड़ा सा आगे जाते ही 2-3 किलोमीटर पत्थर साहिब गुरुद्वारा आएगा। ये देखो
और इनके पत्थर साहिब गुरुद्वारा के आसपास तो इतने सारे पत्थर रखे हुए हैं भाई, इसका हिस्ट्री यार वहाँ पीछे बोर्ड पे लगा हुआ था, मैं आपको एडिटिंग के टाइम ये स्क्रीन पे दे दूंगा। जो बोले सोनिहाल शास्त्री अकाल। मैं यहाँ पे रुक तो नहीं रहा हूँ यार, मैं सीधा ले जा रहा हूँ। मेरे को लगता है यार वो है वहां पे ले सिटी, वहां से देख रहे हो क्या मस्त व्यू आ रहा है ना, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ तो लग नहीं रही, वो भी नहीं है क्या। यहाँ से तो यार अब नजदीक दिखी जाना चाहिए हमें। ले यहाँ से बता रहा है भाई 21 किलोमीटर, क्या नजारा है भाई, क्या ही बोलूं मैं तो कभी कभी चुप ही हो जाता हूँ नजारे के बारे में, क्या ही बोलूं, इतना ज्यादा खूबसूरत है भाई। अब आप आओगे तो ही पता लगेगा कितना खूबसूरत है। यहाँ पे अभी यार मैं रुका हुआ था टोल के लिए, जब आप ले सिटी में एंटर करोगे उससे 8-10 किलोमीटर पहले ही आपको एक 20 रुपये का टोल देना पड़ेगा, तो वो हमने दे दिया। ये भैया इतना धुआं दे रही हो भाई, तुम धुआं दे रही हो, साइड भी दे दो, हम चले जाएं। कारगिल से लेकर एकदम ले तक भाई चकाचक रोड है, रोड की कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग बाय रोड आना चाहते हैं कार से बाइक से, ठीक है, रोड से आ जा सकते हैं भाई, मस्त रोड है एकदम। ये सिटी के कुछ बाहर के घर हैं, दुकानें हैं कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस की। अभी यार पीछे ना मैंने हॉल ऑफ फेम देखा था, लेकिन मैं गया नहीं यार, सामान छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा अंदर। और हॉल ऑफ फेम के बारे में यार मैं रेटिंग के टाइम आपको यहाँ पे डिस्प्ले करा दूंगा, देख लेना भाई क्या चीज है, मेरे को भी पता नहीं यार। और बाकी ये पूरा आर्मी एरिया है भाई, यहाँ ड्रोन वगैरह बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लिखा हुआ है जगह जगह पे। और पूरा मतलब इंडियन आर्मी से रिलेटेड ही सारी चीजें आपको दिखेंगी भाई, कुछ ना कुछ इंडियन आर्मी से रिलेटेड ही होगा जो भी चीज आप यहाँ पे देखोगे। और पेट्रोल पंप की तो यार भरमार है यहाँ पे, मैं अभी ले मार्केट में घुसा भी नहीं हूँ, मतलब 7-8 पेट्रोल पंप देख लिए मैंने। भाई ऑफिशियली देखो राहुल पांडे कहाँ पहुंच चुके हैं, ये देखो वेलकम टू ले, फाइनली सपना पूरा हो गया भाई अपना ले आने का। ये है ले का भाई सर्कल, यहाँ देखो और एक पेट्रोल पंप है। अभी यार हमें मिल गया रूम और सस्ता सुंदर टिकाऊ, काफी ढूंढने के बाद यार अभी सामान वामान खोल देते और अपना लेके चलते हैं। चलो भाई फाइनली रूम भी मिल गया हमें, अच्छी प्रॉपर्टी है। एंट्री करने के लिए थोड़ी देर में आता हूँ। हेलो जी, तो कैसे हैं आप लोग? तो फाइनली यार हमें रूम मिल गया है ले सिटी में, और इससे पहले भी मैंने एक रूम देखा था, वो बिल्कुल गंदा सा था और मुझे लग रहा था कि यार लुटेरे तो नहीं है वो। मैं कहीं भी नई सिटी में जाता हूँ ना यार रूम लेने के लिए, तो मेरे को ऐसा ख्याल आता है कि यार कहीं ठग ना ले मुझे ये। मैं ले गया, पता नहीं कहाँ गली में घुसा दिया उसने, मैंने कहा नहीं यहाँ नहीं चाहिए मुझे, रोड पे चाहिए मुझे। तो फाइनली मैं एक और होटल देखने गया था, तो वो काफ़ी महंगा था भाई, 12-13 हज़ार रुपये बता दी मैंने, कुछ धड़कन ही रुक गई मेरे तो, मैंने 12-13 हज़ार रुपये। फिर उसी के जो एम्प्लॉय था ना एक, उसने बोला यार सस्ता वाला देखो वहाँ मिल जाएगा और बढ़िया भी है। तो मैंने यहाँ आके देखा तो 1600 रुपये में मस्त रूम मिल गया है मेरे को यहाँ पे, और यहाँ पे वाईफाई भी है मस्त एकदम। और ये देखो कुछ इस तरीके का है रूम अपना, सामान वामान मैंने रख दिया यहाँ पे। और फिलहाल यार हमारा ओडीसी वाला रूम वो मिला नहीं, तमिलनाडु वाले भाई साहब मिले नहीं, तो मैंने सोचा यार यहीं पे मैं ले लेता हूँ रूम। और बस यही सारी चीज़ें हैं, तो इस वाली वीडियो को यार यहीं पे एंड करते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे यूट्यूब की दुकान से,
और वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा यार कमेंट करके यार ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।